सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ कुछ एडुकेशनल टूर पे, जो होगा नमसाई का बड़ा सा बौद्ध स्टैचू, मतलब बौद्ध धर्म का बड़ा सा एक स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पर मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहे और कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले कि वो स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का है, 180 फीट है और अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। वो है धामा हिल लठाव सर्कल इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पे। तो 180 फीट इतना छोटा तो होता नहीं, क्योंकि 180 फीट मतलब बहुत बड़ा होता है और ये मतलब मेन रोड से काफ़ी अंदर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये फॉरेस्ट गेट जो नमसाई, आप लोग को नमसाई क्रॉस होने के बाद मिलता है ये फॉरेस्ट गेट, तो यहाँ से अंदर घुसना पड़ेगा। तो घुसते तो रास्ता काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अभी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं। ये टूरिज्म एरिया होने वाला है कुछ दिनों के बाद, जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो कुछ दिन बाद ये टूरिज्म मतलब प्लेस हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसा है ये रास्ता, क्योंकि टूरिस्ट इतना विजिट नहीं करते। तो मैं पहुंच चुका वो लोकेशन पे, एंड वन थिंग गाइस, वंस इट्स कंप्लीटेड इट विल बी एडेड अट्रैक्शन टू नामसाई, टेंगापानी, परशुराम कुंड, तेजू, रोइंग, मायोध्या, मतलब अरुणाचल का सबसे खूबसूरत जगह हो सकता है ये। इट विल बी कॉल्ड एज टूरिस्ट सर्किट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साउना में विद ए टीम ऑफ ऑफिशियल विजिट द साइट ऑफ द स्टैचू ऑफ रिस्पेक्ट द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जैसे कि मतलब ये नामसाई पर जो सिचुएटेड है और अभी बन रहा है कंस्ट्रक्शन, ये आप चेक करें, विशाल रूप से बना हुआ बुद्ध स्टैचू देखने में इतना बड़ा लग रहा है। तो जैसे कि गाइस काफी बड़ा बना हुआ है, 180 फीट छोटा नहीं होता, शायद टॉप 10 इंडियन स्टैचू मतलब बड़ा जो स्टैचू होता है उस पर इसका नाम भी आ जाएगा शायद। और ये काफ़ी पहाड़ों के बीच बना हुआ है और रोड मतलब मेन हाईवे है जो है उससे काफ़ी अंदर बना हुआ है। एंड ये आप चेक कर सकते हैं, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर से आऊँगा और ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये कुछ लोकेशन मतलब जैसे कि काफ़ी अंदर बना हुआ है, इसीलिए इसको एकदम से पहाड़ के बीचों में बनाया जा रहा है। और ये कुछ पार्ट से मतलब जो ज्वाइन होंगे और कंप्लीट होगा स्टैचू, ये देखिए, ये टोटली मड से बना हुआ है। और अभी फिलहाल पेंटिंग चल रहा है स्टैचू का, जैसे कि गोल्डन पकौड़ा यहाँ पर फेमस है, वैसे ही गोल्डन बुद्ध स्टैचू फेमस होने वाला है। ये काफ़ी दिनों से बन रहा है और अभी तक कंप्लीट तो हुआ नहीं है, बट जब कंप्लीट होगा तो काफ़ी सुंदर लगने वाला है। थिंग इज गाइस कि अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो मैं उतना लंबा बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में बना हुआ इतना बड़ा बुद्ध स्टैचू